सुप्रभात बच्चों, कल हमने कविता पढ़ना सीखा था, आज मैं आप लोगों को उसके अर्थ से अवगत कराऊंगी। पाठ 10 इतिहास की परीक्षा, जो कि एक हास्य कविता है, आइए उसके अर्थ को समझें कि इसमें क्या हंसी छुपी हुई है, कितनी गलतियां हैं और बच्चा उनको बोल करके या लिख करके कितना खुश हो रहा है। इतिहास की परीक्षा थी उस दिन, चिंता से हृदय धड़कता था। बच्चों, तो परीक्षा शब्द ही ऐसा है कि वो हमें टेंशन देने लगता है, हम डर जाते हैं, हम उसी के विषय में रात दिन सोचने लगते हैं। तो उस दिन उस बच्चे की, एक छात्र था जिसकी परीक्षा चल रही थी और उस दिन इतिहास की परीक्षा थी, यानी हिस्ट्री। अब उसे चिंता हो रही थी कि इतने पुराने जमाने की बातें हैं, मैं कहीं सन भूल गया तो, मैं नाम भूल गया तो क्या होगा। इसी टेंशन में वो सारी रात सो भी नहीं पाया और उसे चिंता से उसका दिल जो था, हृदय जो था, धड़क रहा था जोर जोर से। और जब वो सुबह उठा तो उसने महसूस किया के बुरे सुकून घर से चलते हुए। जब वो घर से इस विद्यालय जाने के लिए तैयार हुआ तो उसका बायां हाथ फड़कता था। बच्चों, ये सब अंधविश्वास बातें हैं, क्योंकि हम उनका असली मीनिंग तो जानते नहीं, सिर्फ सुनी सुनाई बातों को हम लोग कह देते हैं, मेरा बायां हाथ फड़का, मेरा दायां हाथ फड़का। ये कब सत्य होती है? जब कोई इनका असली अर्थ समझता है। इन पर विश्वास करने से पहले अपने घर के बुजुर्गों के पास बैठिए और उनसे इनके पहले अर्थ समझिए, तब आप जान पाएंगे कि ये क्या है, ये अपवाद है या वास्तविकता है। ठीक है, तो इन बातों का पहले आप अर्थ समझिए। तो बच्चे ने कहा कि मेरा बायां हाथ फड़कता था। मैंने सवाल जो याद किए, उसने जो जो क्वेश्चन याद किए थे वो क्या हुए थे, उसे पूरे पैसे याद नहीं थे, आधे याद हुए थे। उनमें से कुछ स्कूल तक आते आते बर्बाद। अब घर से स्कूल तक जाते जाते तो उसने रस्ते में बहुत सी चीजें देखी, दिमाग इधर उधर होते गया और हुआ नतीजा क्या कि आधे अधूरे से याद ही हुए थे और स्कूल से घर आते स्कूल तक आते आते वो भी उसके माइंड से निकल गए। पर्चा हाथों में पकड़ लिया, आंखें मूंदी, टुक झूम गया। अब बच्चों, जब क्लास में पेपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो बच्चे ने पेपर को ले लिया, क्वेश्चन पेपर को। उसके बाद जब उसे पढ़ा तो आंख बंद करके वो सोचने लगा, ये क्या हुआ। टुक माने होता है थोड़ा सा, जरा सा, क्योंकि एग्जाम में तो पूरा तो आंख बंद करके सो नहीं सकता। थोड़ी सी आंख बंद करके वो झूम गया एकदम कि है ये सब क्या आ गया, वो ब्लैंक हो गया। मैंने जो याद किया वो आया ही नहीं, और वैसे भी उसने जो याद किए थे स्कूल तक आते आते तो वो भूल ही गया था। पढ़ते ही छाया अंधकार। जैसे ही उसने क्वेश्चन पेपर को पढ़ा, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, क्योंकि उसे कुछ नहीं आया, चक्कर आया, फिर घूम गया। और जब कुछ समझ में नहीं आएगा तो बच्चे क्या करते हैं, बहाना बनाने लगते हैं, तो मुझे चक्कर आ रहा है। आ क्यों रहा था? क्योंकि वो पेपर उसकी समझ के बाहर था। अब वो बोलने लगा, जिसने क्वेश्चन बनाया उसके ऊपर उसे गुस्सा आने लगा। तो वो कहता है, ओ प्रश्न पत्र लिखने वाले, मम्मी कह रहा है, बोल तो सकता नहीं, क्या मुंह लेकर उत्तर दे हम। मतलब आपने ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे कि हम किस मुंह से उत्तर दें, हमारे पास तो उत्तर देने के लिए कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि मुझे कुछ याद नहीं है। अपनी गलती नहीं देख रहा है, वो पर्चे में दोष निकाल रहा है। तो लिख, अब उसका दिल कहता है, तू लिख दे तेरी जो मर्जी, क्योंकि ये प्रश्न पत्र नहीं है, ये तो एटम बॉम्ब है जो मेरे सर पर फट गया है। तो इस बात से दुखी हो रहा है। अब उसके दिमाग में आता है कि ये हमारी एक धार्मिक पुस्तक है गीता। अब देखो, जब मुसीबत के समय हम लोग भगवान को याद करते हैं, तो यदि हर समय याद करें तो मुसीबत आएगी ही नहीं ना। तो बच्चा कहता है कि हमारी जो माँ है, मेरी मम्मी घर में गीता पढ़ती है, मेरी दादी पढ़ती है, तो उनके वो जो सुनता है उसमें रहता है, कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर रहे इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। तो बच्चा आगे की लाइन को भूल जाता है, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान, सिर्फ आगे पहली वाली लाइन याद रहती है, कर्म किए जा। कर्म करना हमारा काम है, वो कर्म करने के लिए प्रेरित हो जाता है। तो वो कहता है कि गीता कहती है ना, हमारी इतनी बड़ी धार्मिक पुस्तक है, वो जब मुझे ये बात बोल रही है कि कर्म किए जा, तो मुझे अपने काम को करना ही चाहिए और फल की चिंता मत किया करो, जो होगा देखा जाएगा।
मन में आए जो बात उसी को पर्चे पर लिख दिया। ये सही भी है, जब आदमी दोराहे पे खड़ा रहता है कि मैं इधर जाऊं या इधर जाऊं, तो उसे गलत रास्ते में भी चले जाना चाहिए, कहीं ना कहीं उसे मंजिल मिल जाएगी। क्योंकि जब वो आगे बढ़ेगा तो उसे गलती का एहसास होगा, उसे समझ में आएगा कि मैं गलत रास्ते पे जा रहा हूँ, तब उसे सही रास्ता नजर आ जाएगा और वो दूसरी दिशा में चल पाएगा। अब यहाँ पर हम लोग ये दोहा बस याद कर सकते हैं, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो दुख में सुमिरन करे तो दुख का एक हो। अभी इसने गीता की जो बात कही, यही बात यदि ये शुरू से अपने दिमाग में रखता, दुख में भी भगवान को याद करता और सुख में भी करता। लेकिन अभी ये क्या करते हैं हम लोग, सुख में तो अपने यार दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ हम लोग एंजॉय करते हैं, और जब दुख आता है, कोई कष्ट आता है, कोई मुसीबत आती है, तब हम भगवान का नाम लेते हैं कि हे भगवान मेरी रक्षा करो, हे भगवान मुझे रास्ता सुझाओ, हे भगवान मेरे इस कष्ट को दूर करो। तो बच्चों हमें हर समय अपने प्रभु की शरण में रहना चाहिए, सुख में भी और दुख में। जब हमें सुख मिलता है तो हमें भगवान का धन्यवाद जरूर करना चाहिए कि उन्होंने आज ये खुशी का दिन हमें दिखाया। और तो भगवान आपके जीवन में दुख के कांटे हमेशा के लिए हटा दे। मेरे अंतर के पाट खुले, अब वो कहता है कि जैसे ही गीता का ध्यान मेरे दिमाग में आया, मेरे मन के दरवाजे खुले। पाट माने होता है दरवाजा, अंतर माने होता है मन, अंतकर। पर्चे पर कलम चली चंचल, अब क्योंकि अब दिमाग में कर्म करना है, कल की चिंता नहीं करनी, तो उसको लिखते जा रहा है, लिखते जा रहा है। उसकी कलम इतनी चंचल हो गई है कि वो बिना रुके चलती जा रही है। अब चलती हुई कलम कैसी लगती है, उसकी भी वो उपमा देता है कि मैंने इस तरीके से फटाफट लिखा है जो किसी खेत की छाती पर चलता हो कलवारी का। जैसे किसान अपनी खेती करता है, अपने जमीन में जब खेती करता है तो फटाफट फटाफट अपने बैलों को दौड़ाता है या ट्रैक्टर को दौड़ाता है और अपनी खेती जल्दी से जल्दी उस दिन का काम वो करना चाहता है, वैसे ही मेरी कलम भी मेरे पर्चे पर चल रही थी और मैं सारे उत्तर लिख रहा था। मैंने लिखा, अब क्वेश्चन पूछा गया था कि पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ, तो क्वेश्चन पूछा गया था पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ। अब उसके समझ में कुछ नहीं आया तो उसने कह दिया पानीपत का दूसरा युद्ध सावन में हुआ। जबकि बच्चों पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 में हुआ था। जापान जर्मनी के बीच वो 1857 में उसे जो जो मन में आ रहा था वो बोलते जा रहा था, अपनी खुदबंदी बनाए जा रहा था। लिख दिया महात्मा बुद्ध महात्मा गांधी जी के चेले। प्रश्न पूछा गया महात्मा बुद्ध कौन थे, तो उसने देखा महात्मा और महात्मा एक जैसा वर्ड आता है दोनों में, चलो महात्मा बुद्ध तो बहुत पुराने हैं, महात्मा गांधी बाद में आए थे, वो गुरु और वो चेले। उसने तुकबंदी बनाई और बुद्ध भगवान का महात्मा गांधी को चेला बनाया। गांधी जी के संघर्ष में वे आंखें चोली खेले थे। अब आप सोचिए जो गुरु होगा वो अपने शिष्य के साथ बचपन कहाँ से बिताया होगा। सोचने वाली हास्यास्पद बात है, लेकिन उसके तो दिमाग में कुछ भी करने का ठानी हुई थी उसने, क्योंकि ब्लैंक था उसके माइंड में और तो कुछ आ नहीं रहा था, जो मन में आ रहा है वो लिखते और बोलते जा रहे हैं। तो उसने कह दिया गांधी जी के संग बचपन में आंख मिचोली खेली थी। राणा प्रताप ने गौरी को, मोहम्मद गौरी इतिहास का एक नामी आदमी है, विलेज है, राणा प्रताप ने गौरी को केवल 10 बार हराया था। अकबर ने हिंद महासागर अमेरिका से मंगवाया था। अब आप बताइए क्या हिंद महासागर नदियां झरने ये खरीदने की चीजें हैं। लेकिन उसने कहा कि अकबर एक बहुत बड़ी हस्ती थी, इसलिए वो समझा कि अमेरिका उस समय क्या था, अमेरिका तो उसके नीचे रहा होगा, तो चलो वो अमेरिका से इसने हिंद महासागर खरीद लिया। क्या हिंद महासागर खरीदने की चीज है बच्चों, नहीं ना। महमूद गजनवी उठते ही अब वो नाम के साथ तुकबंदी बनाता है कि ये आदमी क्या करता होगा। महमूद फिल्मों में हंसी मजाक करता था, एक कॉमेडियन था, उसने यहाँ पे इसको जोड़ दिया, 2 घंटे रोज नाचता था महमूद गजनवी, 2 घंटे रोज नाचता था। औरंगजेब रंग में आकर औरंगजेब का आता था, इसने इसके नाम का विश्लेषण कर दिया, और
रंग जेब, रंग और रंग और जेब को काटने का काम कर दिया, इसकी इसने संधि विच्छेद कर दिया और इनके काम को सराह दिया कि औरंगजेब और उनकी जेब काटता था। इस तरह अनेक, अब इस तरह उल्टे उल्टे सवालों के जवाब लिख करके उसके मन के जो भाव थे वो एक कपारे की तरह फूट रहे थे, वो खुश हो रहा था और अपने सारे प्रश्नों के उत्तर लिख रहा था। जो जो सवाल थे याद नहीं वे ही पर्चे पर लिख मारे। अब उसको तो ये सारे प्रश्न आते ही नहीं थे, तो उसने क्या किया, इन सब को उल्टा मोटा करके किसी तरह से कॉपी को रंग दिया, कॉपी को भर दिया, हो गया परीक्षक पागल। अब स्टूडेंट का तो काम हो गया, उसने कॉपी जमा की और वो चला गया। अब बारी आती है शिक्षक की, जिसने परीक्षा ली, यानी परीक्षक जो परीक्षा लेता है वो परीक्षक कहलाता है। जब उसने कॉपी करेक्शन करने के लिए अपनी कॉपी हाथ में ली तो वो देखते ही रह गया कि इस तरह के उत्तर तो किसी ने लिखे ही नहीं। यही एक होनहार है, सबसे अच्छा बच्चा तो यही है और तो सब बेवकूफ है। औरों के पर्चे फेंक दिए शिक्षक ने और बोले ये क्या भाई, ये लोग तो सब रटी रटा ये किस चीज लिखे हैं, असल में तो दूसरा चीज से ये बच्चा लिखा है, यही सही है। तो मेरी कॉपी को, बच्चा खुश होकर कहता है कि मेरी कॉपी, इसने अनेक तरह से तरह तरह के उत्तर लिखे हुए थे, खूबसूरत उत्तर लिखे हुए थे, सबके एक जैसे उत्तरों की कॉपी को शिक्षक ने फेंक दिया और मेरी कॉपी को ले लिया और उसके सारे उत्तरों को छांट लिए, यानी वाह कितना अच्छा लिखा है। लेकिन बाद में मुझे 0 नंबर दे के पीछे के जितने नंबर थे सारे काट दिए। पीछे के नंबर काटने का मतलब, यानी जहां 60 आना चाहिए तो 6 तो कट गया, रह गया 0। तो बच्चों ये थी हमारी ये कविता ओम प्रकाश आदित्य जी की। तो हमें बच्चों खाली ये नहीं करना चाहिए कि हमें याद नहीं है, हम उल्टा पुल्टा लिख दिए हैं, थोड़ा दिमाग को दौड़ाना चाहिए। और आप मनन करेंगे अच्छे तरीके से तो आपको जरूर आपकी चीजें याद होंगी और देर तक आपके दिमाग में रहेंगी। जैसे कठिन परिश्रम और सकारात्मक सोच ही सफलता की कुंजी है। आप यदि एक बार में कहोगे मुझसे नहीं होगा, आप हमेशा नेगेटिव बोलोगे, नकारात्मक बोलोगे, तो वो काम आप कभी भी सफलतापूर्वक नहीं कर पाओगे। तो मैंने यहाँ कुछ शब्दों के अर्थ लिख दिए हैं, जैसे होनहार माने होशियार, नंबर माने अंक, नंबर इंग्लिश वर्ड है बच्चों तो इसका हिंदी में मतलब होता है अंक। तलक, तलक माने तक, यानी अभी तक, जैसे हम कहते हैं अभी तक, उसे हम लोग अभी तलक भी कह सकते हैं। अंतर माने मैंने बताया मन या अंतर। जीरो, जीरो भी इंग्लिश वर्ड है लेकिन इसका हिंदी में होता है शून्य। पाठ, पाठ जैसे दरवाजा, दरवाजे को ही पाठ कहते हैं, यानी द्वार। चेले, चेले का माने होता है शिष्य, गुरु के साथ बैठ के जो पढ़ते हैं शिक्षा लेते हैं उन्हें शिष्य कहा जाता है, चेला कहा जाता है। तो आप लोगों को ये पाठ समझ में आ गया होगा बच्चों। इसके बाद मैं आप लोगों को इसका PDF बना के दूंगी। धन्यवाद।